नमस्कार किसान भाइयों, आपकी अपना YouTube चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो मटर की फसल है, जो फूल आ रही है, जो आपकी देख सकते हैं इधर फल भी आ चुकी है। इधर जैसे आप देख सकते हैं हर प्लांट में दो जगह मतलब तीन जगह के पास फूल के साथ फ्रूटिंग भी चल रही है, फूल भी काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि जैसे मटर में क्या होता है किसान भाइयों, कि जैसे कि जो हमारी फूल होती है वो किसान भाइयों गिर जाती है, उसकी क्या कारण है गिर जाती है। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी मटर है जो काफ़ी हर प्लांट से डबल डबल फूल के साथ फल भी प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन कुछ जगह किसान भाइयों आपको हम दिखाएंगे कि कुछ जगह जो क्या होती है कि फूल जो क्या होती है ना कि मतलब टेम्परेचर या कुछ वायुमंडल के ताप या हमारे खेत की कुछ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की कमी से हमारी जो फूल होती है वो गिर जाती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मटर की फूल मटर खेती में कौन सी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का उपयोग करें ताकि जो हमारी फल है वो काफ़ी हरा हो और जो हमारी फूल है वो एक भी गिरे नहीं और हमारी जो पैदावार हो काफ़ी बढ़ जाए। जैसे आपको दिखाते हैं इधर आप देख सकते हैं जो मटर की आपको फली भी दिख पा रही होगी। यह किसान भाइयों यह वैरायटी गोल्डन सीड्स की GS10 एडवेंटा कंपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं एडवेंटा सीड की यह वैरायटी है, आपको दिख पा रही होगी। जैसे आप देख सकते हैं इधर इसमें कि एक फूल जैसे गिर चुकी है, यह आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें तब। तो चलिए किसान भाइयों, आपको हम बताते हैं यानी कि मटर में किसान भाइयों आप मतलब दवा का स्प्रे करने के पश्चात मतलब आपकी जो फूल है वह फूल नहीं जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं इधर जो आप फूल देख पा रहे हैं इधर हमारे हाथ के पास इधर यह मतलब गिर गई है। तो किसान भाइयों, आप जो आपके जब प्लांट फर्स्ट फ्लावरिंग में जब आ जाती है, जब फर्स्ट फ्रूटिंग में जब आ जाती है किसान भाइयों, जैसे कि पौधे में कहीं कहीं पे फूल आपको दिखने लगती है, तब आप क्या करें किसान भाइयों कि जो हमारी मतलब मटर की खेती है उसमें आप बोरान मतलब बोरान ले सकते हैं 45 बावस्टीन मतलब 25 ग्राम प्रति एक टंकी के लिए आप M45 का ले सकते हैं और 25 ग्राम बोरान और साथ ही आप इनके साथ आप साफ ले सकते हैं प्रति 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से और साथ ही किसी भी इंसेक्टिसाइड जैसे कि क्लोरीफास साइफरमिथ्रिन या प्रोफेनॉस साइफरमिथ्रिन किसी भी इंसेक्टिसाइड को आप लेकर प्रति मतलब 15 लीटर पानी में आप 20 ml आप ले सकते हैं, जैसे कि मतलब कि मटर खेत में आप एक टंकी में छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहली छिड़काव होगी और दूसरी छिड़काव में क्या होगी किसान भाइयों कि हम NPK ले लेंगे 1950 ग्राम प्रति एक टंकी पानी में, जब हमारी जो प्लांट है मतलब कि मटर की जो खेती में जब दूसरा तीसरा फूल आ जाती है तब आप 1919 और आप समरस ले सकते हैं या बायोबीटा ले सकते हैं। इसके साथ आप अगर स्प्रे करते हैं तो जो आपकी फूल होगी वह किसान भाइयों मतलब गिरेगी नहीं, जो फल की साइज होगी वो काफ़ी लंबा होगी, काफ़ी हरा में होगा। इस प्रकार किसान भाइयों आप मटर की खेती में काफ़ी अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, अगले भी मतलब वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारी फल की जो साइज क्या होगी, कैसे लंबा होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।